गुड मॉर्निंग एवरीवन. हमारा जो आज का नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 12, प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन कमर्शियल बैंक्स. चैप्टर का नेम है प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन कमर्शियल बैंक्स. इसमें जो टर्म यूज है हो रही है दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. इसका क्या मतलब है? एसेट्स का मतलब सबको पता है. एसेट्स मतलब जो भी रिसोर्सेस जो बैंक्स हैं वो ओन कर रहे हैं, वो उनकी एसेट्स हुई, बैंक्स की एसेट हुई. जब वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाएगा. नॉन परफॉर्मिंग का मतलब हुआ कि जो आपकी एसेट है वो आपको कुछ भी इनकम जनरेट कर नहीं दे रही है तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो बैंक है उसने लोन दिया, बैंक ने लोन दिया पर्सन को, वो पर्सन अगर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक उसने जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का उसको आपको रिटर्न नहीं किया है तो इसका मतलब उस एसेट से आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिला है तो दैट विल बी नोन एज योर नॉन परफॉर्मिंग एसेट. मेन ऑब्जेक्टिव जो कमर्शियल बैंकिंग ऑपरेशंस का होता है दैट इज प्रॉफिट्स को जनरेट करना और उसके थ्रू वो कंट्रीब्यूट करता है टू द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द नेशन. बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स जो बैंक्स को हैं टॉप मोस्ट कैटेगरी में जो उसके आते हैं दैट इज मेंटेन करके जो उसे रखना है दैट इज कि लिक्विडिटी को मेंटेन करना और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना, दोनों के बीच में बैलेंस जरूरी है. फर्स्ट वो कमर्शियल बैंक्स हैं तो मेन मोटिव उसका क्या है? प्रॉफिट कमाना. दूसरा, बैंक के पास जब आप डिपॉजिट करते हो तो जब आप उसे विड्रॉ करवाने जाते हो तो बैंक किसी को भी मना नहीं कर सकता है. इसका मतलब इसे उसे ऑल द टाइम लिक्विडिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है. तो बैंक्स को हमेशा बैलेंस रखना पड़ता है बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर एसेट्स. बैंक्स लोन देते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए और एट द सेम टाइम सफिशिएंट लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी होती है ताकि जो बैंक है वो शॉर्ट उसके पास ना हो जाए कैश जो नीड्स हैं अपने कस्टमर की उसको पूरा करने के लिए. तो बहुत सारी एसेट्स होती हैं बैंकिंग सिस्टम में जो जनरेट नहीं करती हैं इनकम बैंक के लिए और उसी एसेट्स को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि जैसे अगर आपने लोन दिया है, ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट अकाउंट पे लोन दिया है और उससे जो रिटर्न आपको मिलना है इंटरेस्ट की फॉर्म में एज वेल एज प्रिंसिपल आपका अगर एक फिक्स टाइम पीरियड तक आपको रिसीव नहीं होता है तो वो आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है. बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं उनके ऊपर भी अगर आपको इंटरेस्ट रेगुलरली नहीं मिल रहा है तो उन्हें भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में इंक्लूड किया जाता है. तो सिंपल अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो एक एसेट जो सीज कर देती है टू जनरेट इनकम, जो सीज कर रही है, जो इनकम जनरेट नहीं कर रही है, रिटर्न जनरेट नहीं कर रही है बैंक की, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. या फिर जब आपने एडवांस दिया है बैंक ने और वो इररिकवरेबल है तो उस एडवांस को हम एनपीए कहते हैं. अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर जो इंटरेस्ट है एडवांस पर वो ओवरड्यू रहता है, अनपेड रहता है फॉर अ पीरियड फिक्स्ड अंडर द गाइडलाइंस तो उस एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट किया जाएगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो हैं NPA के रिगार्डिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2011, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट की ओवरड्यू रहती है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन, अगर आपका जो अकाउंट है वो रिमेन रहता है ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, या बिल आपका ओवरड्यू रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, या अदर अकाउंट्स के केस में कोई भी अमाउंट जो आपको रिसीव होनी है वो ओवरड्यू रहती है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट, तो उसे NPA कहा जाएगा. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स. तो NPAs को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले एसेट क्लासिफिकेशन को समझना. तो जो RBI ने डिफाइन की है एसेट्स
फोर कैटेगरीज में की है। पहला है स्टैंडर्ड एसिड, ये वो एसिड्स होती हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनमें नॉर्मल रिस्क होता है, नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा रिस्क वो कैरी नहीं करती। तो इसमें वो लोन्स, वो एडवांसेस होंगे जिन्हें आप एनपीए क्लासिफाई नहीं करते हो, तो इनको परफॉर्मिंग एसिड्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ये वो एसेट्स होती हैं जिन्हें आपने एनपीए में क्लासिफाई कर दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स, मतलब उन्हें एनपीए आपने कह दिया है लेकिन एनपीए को जब आपने उन्हें एनपीए डिक्लेयर किया है तो उसे अभी 12 मंथ्स नहीं हुए हैं, तो उसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहेंगे। इन एसेट्स की वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इसमें होती है और डिफिशियंसी करेक्टेड नहीं की जा सकती। देन नेक्स्ट इज योर डाउटफुल एसेट्स, ये वो एसेट्स होती हैं जो एनपीए हो गई हैं फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स, मतलब जो एनपीए आपने उन्हें डिक्लेयर किया उसे डिक्लेयर किए हुए 12 मंथ्स हो चुके हैं, 12 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसे डाउटफुल एसेट्स कहेंगे। इनकी जो रिकवरी है वो हाईली डाउटफुल होती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स और कंडीशंस। नेक्स्ट इज लॉस एसेट्स, ये वो एसेट्स होती हैं जिन्हें आपने आइडेंटिफाई कर दिया है कि जो एसेट है वो लॉस एसेट है, लेकिन जो अमाउंट है आपने उसे राइट ऑफ नहीं किया है होली या पार्शली। इस कैटेगरी में जो एनपीएस इंक्लूड होते हैं वो कौन से इंक्लूड होते हैं, जहाँ पे आपका जो बोरोअर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या बोरोअर्स नॉट ट्रेसेबल है, या फिक्टिशियस और बेनामी लोन्स हैं, या लोन जो हैं ड्यू लिक्विडेटेड सोसाइटीज़ हैं, या लोन लाइबिलिटी डिस्प्यूटेड एसेक्ट्रा के अगर केसेस हैं तो उन्हें लॉस एसेट्स में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज योर नॉर्म्स फॉर प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो जो आपके डेब्टर्स होते हैं उनके लिए आप प्रोविजन बनाते हैं, उसी तरीके से बैंक्स के जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं उनके लिए उन्हें प्रोविजन बनाना पड़ता है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस जिन्हें आपने कैटेगराइज नहीं किया है एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उन्हें स्टैंडर्ड एसेट्स कहा जाता है, और बैंक्स को इनके ऊपर बैड डेब्ट प्रोविजन मेंटेन करना होता है। जो रेट है, जनरल रेट है बैड डेब्ट प्रोविजन का स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर, वो 0.40% है लोन एंड एडवांसेस का। जो रेट ऑफ बैड डेब्ट्स है प्रोविजन का ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स, वो अगर इन दी नेचर ऑफ एडवांसेस टू लोन या स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए है तो जो रेट है दैट इज 0.25%, और अगर वही चीज़ इन द नेचर ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए है तो जो रेट है दैट इज 1%। नेक्स्ट इज सब स्टैंडर्ड एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस जो आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर अ पीरियड अप टू और लेस देन 12 मंथ्स, उन्हें हम सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। ये एसेट सिक्योर्ड अगर हैं तो जो प्रोविजन का रेट है वो 15% है, और अगर ये एसेट्स अनसिक्योर्ड है तो जो प्रोविजन का रेट है दैट इज 25%। नेक्स्ट इज डाउटफुल एसेट्स, जो लोन एंड एडवांसेस आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ एनपीएस फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 12 मंथ्स, तो उन्हें डाउटफुल डेब्ट्स कहा जाता है। डाउटफुल डेब्ट्स अनसिक्योर्ड होते हैं तो इनके ऊपर जो प्रोविजन होगा वो 100% होगा। अगर आपके डाउटफुल एसेट्स जो हैं वो सिक्योर्ड हैं तो फर्स्ट ईयर में जो प्रोविजन का रेट है दैट इज़ 25%, और उसके बाद अगर एक साल से ज़्यादा के लिए वो आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 1 ईयर एंड अप टू 3 ईयर तो जो प्रोविजन का रेट है दैट इज़ 40%। जो सिक्योर डाउटफुल एसेट्स अगर आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 3 ईयर्स तो जो प्रोविजन का रेट है दैट इज़ 100%। देन नेक्स्ट इज लॉस एसेट्स, अगर जो लोन एंड एडवांसेस है उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज अ लॉस एसेट तो जो प्रोविजन है वो है 100%। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ट्रेंड्स क्या हैं एनपीएस में ऑफ डिफरेंट बैंक्स, तो यहाँ पे टेबल आपको दिया गया है और यहाँ पे आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 1996-97 में जो परसेंटेज था एनपीएस का टोटल एडवांसेस का वो था 17.8 में, 2016-17 में 11.7। देन प्राइवेट सेक्टर बैंक का अगर देखें तो 1996-97 में 2.6 था, 16-17 में 4.1 था। फॉरेन बैंक्स का देखें तो 1996-97 में 4.3 एंड 2016-17 में 4,
इसे आप जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है उसे हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में कंपेयर कर रहे हैं कि 1996-97 में क्या था, 16-17 में क्या था, एक कैटेगरी तो ये होगी। दूसरा हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर का कंपैरिजन हम कर रहे हैं न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक से और उसका कर रहे हैं हम फॉरेन बैंक से इंडिया में। जैसे अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो जो उनकी परसेंटेज थी एनपीएस की टोटल एडवांसेस की वो रिड्यूस हुई 2016-17 की हम बात कर रहे हैं 17.8% से 11.7% तक हो गई। और वहीं हम न्यू प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सेम पीरियड में 2.6 से 4.1 इंक्रीज हुई। देन फॉरेन बैंक्स की बात करें तो उनका जो 2016-17 में परसेंटेज रहा वो 4% रहा। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, की जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो अराइज क्यों होती है। सबसे पहला है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। बोरोअर्स को आपने लोन दे दिया, बोरोअर्स ने लेकिन वो जो लोन का अमाउंट था वो उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जिस पर्पस के लिए उन्होंने लिया था। सपोज एक फार्मर था, उसने लोन लिया ट्यूबवेल लगाने के लिए, लेकिन वो ही अमाउंट उसने यूज कर ली अपने शादी के लिए अपने सन या डॉटर की, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए। तो डिफिकल्ट हो जाएगा फार्मर को लोन को पे बैक करना। नेक्स्ट इज योर नो प्रॉपर फॉलोअप एक्शन। जो बैंक अथॉरिटीज हैं वो प्रॉपर फॉलोअप एक्शन नहीं लेती हैं जब भी वो एडवांस दे रही हैं, जब भी वो लोन दे रही हैं। तो जो बैंक अथॉरिटीज हैं जब वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो सर्टिफिकेट ले लेती हैं बोरोअर से कि जो भी अमाउंट हमें मिला है उसे हम करेक्ट प्रोजेक्ट में यूज करेंगी, और उसके बाद जो अथॉरिटीज हैं वो उसको वेरीफाई नहीं करती हैं वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट को, तो जो आपका लोन है वो एनपीए बन जाता है। नेक्स्ट इज इंटेंशनल डिफॉल्ट। कई पर्सन प्रोफेशनल बोरोअर्स होते हैं, वो इक्वेशन मेंटेन करते हैं बैंक के ऑफिशियल्स के साथ और बाय हुक और क्रुक लोन ले लेते हैं। वो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिक्टिशियस पर्पसेस के लिए उन्हें लोन एडवांस जो बैंक है वो कर देता है। तो लोन फिक्टिशियस या नॉन एग्जिस्टिंग फॉर्म के नेम पे वो ले लेते हैं, और जबकि उनका ऑलरेडी जब वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका इंटेंशन ये है कि वो लोन को रीपे नहीं करेंगे। तो ये जो इंटेंशनल डिफॉल्टर्स होते हैं ये लार्जली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एनपीएस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज नेचुरल कॉजेज एंड क्लैमिटीज। कई बार नेचुरल कॉजेज और क्लैमिटीज भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द इमरजेंस ऑफ एनपीएस। लाइक सपोज एक फार्मर है, उसने मनी बोरो किया, मनी लिया, उसने लोन लिया फॉर द परचेज ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर, बट सूखा पड़ गया, क्रॉप नहीं हुई, तो वो जो पैसा था लोन का वो वापस नहीं कर पाया, और उसकी वजह से जो एनपीएस हैं बैंक्स को वो कॉज हुए। देन नेक्स्ट इज सोशल ऑब्लिगेशन। बैंक्स को कई बार लोन्स ग्रांट करने पड़ते हैं प्रायोरिटी सेक्टर को अंडर गवर्नमेंट गाइडलाइंस अपनी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, और जो वो जितने का वो लोन सेंक्शन कर रहे हैं वो लोन सेंक्शन ज़्यादा का कर देते हैं और सिक्योरिटी लेस की होती है, तो जो लोन्स हैं वो इररिकवरेबल बन जाते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रेशर ऑन बैंक मैनेजर्स। बैंक मैनेजर्स के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स होता है, तो उसकी वजह से जिनकी रीपेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं भी है उनको भी बैंक को लोन देना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। कई बार जब आप लोन्स दे रहे हो तो बिना एडिक्वेट सिक्योरिटी के देते हो, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी होने की वजह से जो लोन है वो डिफिकल्ट टू रिकवर हो जाता है। देन फेलियर ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोअर। पर्सन ने लोन लिया जिस पर्पस के लिए लिया था, बिजनेस के लिए लिया था, वो बिजनेस नहीं चला, तो उस केस में उसे लोन वापस करना मुश्किल हो जाता है और जो बैंक्स हैं उनके एनपीएस जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।